हेलो दोस्तों, मैं शेख सलमान आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल शेख टेक में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स आने वाले हैं अनबॉक्सिंग और गिव अवे के लिए। देखो, मैंने सारे के सारे फ़ोन्स यहां लगा दिए हैं। आप जब बोलोगे, जिसका बोलोगे, मैं तब उसका अनबॉक्सिंग करूँगा और गिव अवे करूँगा। लेकिन उससे पहले एक बात कहनी मेरे को। मेरे सामने कुछ एक दो वीडियोज़ आए हैं जिस पर कहा गया है कि मैं जो अनबॉक्सिंग करता हूँ, गिव अवे करता हूँ, उनको देख कर कॉपी कर रहा हूँ, या फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं उनके आइडियाज़ चुरा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं किसी के भी आइडियाज़ चुराता नहीं हूँ और ना ही कुछ कहता हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ और अपने सोर्स के थ्रू जो भी वीडियोज़ में मेरे को मिलते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जो भी टेक न्यूज़ मिलते हैं, मैं आपको डायरेक्टली देता हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ से उठाया वहाँ चिपका दिया, वहाँ से उठाया यहाँ चिपका दिया, ऐसा मैं कुछ नहीं करता हूँ। मेरे पास जो नॉलेज आती है, मेरे पास जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं उसी को आपको तक पहुंचाता हूं। तो आज मेरा वीडियो से बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको ये सारा दिखा सकूं कि मेरे पास कितने सारे फ़ोन्स आए हैं और मैं उन सब का गिव अवे करूंगा बारी बारी से। और मेरे पास ऐसे नहीं कि सिर्फ एक एक फ़ोन है, नहीं, मेरे पास रियलमी का C11 मेरे पास चार पीस है, मैं चारों का गिव अवे करने वाला हूँ। Y11 है वीवो का, उसका मेरे पास दो पीस है। Redmi Note 9 Pro है, Redmi Note 9 है, 9 Prime है, बहुत सारे फ़ोन से, Samsung के भी हैं, Realme के भी हैं, Vivo के भी हैं। बस मेरे पास इतने सारे फ़ोन हैं, टोटल मेरे पास आई थिंक 40-50 फ़ोन्स हैं। मैं इन सब का बारी बारी गिव अवे करने वाला हूं, अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इतने सारे फ़ोन में से कोई भी एक फ़ोन या फिर सारे के सारे फ़ोन आपके हो जाएं, तो आपको करना होगा बस एक काम कि आपको आना है मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इसको शेयर करना है, और साथ ही साथ करना होगा एक कमेंट, और वो कमेंट करना होगा आपको उस मोबाइल से रिलेटेड कि आपको इस मोबाइल में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरे दो दिन वीडियोज़ नहीं आए, क्योंकि मेरे घर में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है। मैं मामा बना हूँ, मेरी एक भांजी हुई है, सो दैट्स वाई मैं दो दिन तक वीडियोज़ नहीं बना पाया। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है मेरे लिए कि मेरे घर में एक लक्ष्मी आई है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको शो करने के लिए बनाया हूँ। मैंने कहा था कि मैं आपको रियलमी 10 और रियलमी 20 का कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन कुछ ऐसी फैमिली प्रॉब्लम आ गई, मैं मामा बना हूँ, उस खुशी से भी मैं बना नहीं पाया वो वीडियो। मैं वो वीडियो आपको कल या परसों बनकर रखी हुई है, बनकर तैयार है, बस उसको एडिटिंग करना है और वहाँ पोस्ट करना है। तो मैं कल या परसों आपको वो वीडियो डाल दूंगा। बस मैं चाहता हूं कि आप मेरे को सपोर्ट करो, और मैं चाहता हूं कि ये सारे के सारे फ़ोन्स मेरे पास ना रहे, आपके हाथ में रहे। सो आपको बस मेरे को सपोर्ट करना है, मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। मैं बस आपको ये सारे मोबाइल्स इसलिए शो कर रहा हूं ताकि उस यूट्यूबर को ये ना लगे कि मैं उसके आइडियाज़ चोरी कर रहा हूँ। अगर मैं उसके आइडियाज़ चोरी करूँगा तो भाई मेरे पास इतने सारे फ़ोन्स हैं, मैं इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या ऐसा नहीं है कि मैं उसके आइडियाज़ चोरी करूँ। भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इतने सारे फ़ोन्स आपके लिए ला रहा हूँ, तो मैं उसके आइडियाज़ क्यों चोरी करूँ? आप खुद सोचो भाई कि मैं उसके आइडियाज़ क्यों चोरी करूँ? मेरे पास सब कुछ है भाई, मेरे पास गूगल बाबा है जो वहाँ से मेरे को सारे न्यूज़ देते हैं। आप भी गूगल करो, आपको भी मिलेगा। आप इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई न्यूज़ दे रहा हूँ तो आपसे अगर वो मैच कर जाता है तो ये नहीं है कि मैं उसका चोरी कर ले रहा हूँ। मैं बस ये सब ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि उसको ये डाउट ना रहे कि मैं उसके आइडियाज़ चोरी कर रहा हूँ, मैं उसके बहुत सारे डायलॉग्स कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी तो मैं करता नहीं भाई, अगर करता हूँ सीधा बोल देता हूँ कि हाँ भाई मैं ये कॉपी किया है। मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें आप जाकर देख सकते हो कि मैंने किसका कहाँ पर कौन सा कॉपी किया है। कहीं भी कॉपी नहीं किया भाई। हाँ, कॉपी करूँगा तो मैं खुलकर बोल दूँगा भाई कि मैंने देखो उस यूट्यूबर का यहाँ से ये चीज़ उठाया है। क्यों ना बोलूँ भाई, उसका भी हक बनता है कि उसका मैं जो भी उठाऊँ वो साफ साफ आपको दिखे। चलिए, मैं बस इसीलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ, गुस्से में बहुत बहुत गुस्सा आया मुझे आज। मैंने उनका वीडियो देखा आज, मेरे को बहुत गुस्सा आया कि मेरे आसपास के बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो मुझे देखकर यूट्यूबर बन रहे हैं। ठीक है भाई, चलो ये मान लेता हूँ, मैंने आपको देखकर YouTube बनाना स्टार्ट किया, YouTube चैनल पाया मैं टेक न्यूज़ देना स्टार्ट किया, चलो यहाँ तक मैं ठीक मान लेता हूँ। लेकिन ये कहना कि मैं आपके आइडियाज़ चोरी कर रहा हूँ, आपके डायलॉग चोरी कर रहा हूँ, ये गलत है भाई। मैं आपके आइडियाज़ चोरी नहीं कर रहा, मेरे पास इतने सारे फ़ोन्स है भाई। मैं
मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि भाई मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आने वाले, इतने सारे फ़ोन आने वाले हैं कि आप गिन नहीं पाओगे। और जब मेरे पास इतने सारे फ़ोन्स आ सकते हैं तो मैं उनके आइडियाज़ क्यों चोरी करूँ भाई? मेरे पास खुद के आइडिया हैं, मैं खुद अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि मेरे व्यूवर्स को अच्छा लगे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे को सपोर्ट करें। ये ना कि कहे कि ये तो चोरी कर रहा है भाई, ये किसी और का चैनल चोरी कर रहा है, किसी और का डायलॉग चोरी कर रहा है, किसी के और कंटेंट को उठा रहा है। मैं नहीं उठा रहा हूँ भाई, मेरे पास जो भी है अपना है, खुद का है, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा भाई। छोड़ो भाई, ये सब बहुत होता रहता है, YouTube की दुनिया में ये सब होता ही रहेगा। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि आपको इन सारे फ़ोन में से कोई एक फ़ोन या सारे के सारे फ़ोन आपको मिल जाए, तो बस आपको करना होगा मेरे को सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ ही साथ करना होगा एक कमेंट। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो के साथ, और उसमें मिलेगी आपको ढेर सारो टेक न्यूज़। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, सब्बा खैर।